हेलो, आई एम विवेक। और आज जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट पार्ट जो पढ़ाया था मैनेजमेंट थ्योरी का, उसमें मैंने आपको वीवीटी थ्योरी के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। एंड मैंने आपको चीज बताया था कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वीवीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए या फिर सीएफटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, कि हमें कैसे रिमेम्बर रखें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है और वीक लिगेंड कौन है। तो जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो यही था कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड विच वन इज अ वीक लिगेंड। तो जैसा मैंने बताया था कि आपको मैं कुछ सर्टेन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, सो एक एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम ध्यान में रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जैसा पता है कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, आप देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो ये है, आयोडीन, ब्रोमीन, दिस इज क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन एंड सो ऑन, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑक्सीलेटो ग्रुप लगा हुआ है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, कि ये यहाँ से लेके ये सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा कोबाल्ट एंड सबसे वीक कौन होगा आयोडीन। तो हमें इस सीरीज को याद रखना है। तो इस सीरीज को याद रखने के लिए एक बड़ा ही फेमस कुछ बनाया है इसको, तो आप इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हेल्प करता है हमें याद रखने में, ठीक है। तो चलिए, कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस सीरीज को याद रखना है तो सिंपल एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, वो ट्रिक क्या है, आई बर्बादी सोनू क्लास से फरार। इस वर्ड को आपको याद रखना है, आई बर्बादी सोनू क्लास से फरार, ओह ऑक्सीलेटो पानी, ओह ऑक्सीलेटो ऑक्सीजन पानी नहीं, ऑक्सीलेटो ऑक्सीजन पानी नहीं, EDTA एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबिया। आई गेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप एक बार बोलेंगे तो आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना है, बस बोल बोल के और लिख लिख के, फिर आपको इतने अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको सीरीज याद हो जाएगी आसानी से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आई बर्बादी सोनू क्लास से फरार, आई मीन्स आई आयोडीन, बर्बादी मीन्स ब्रोमीन, सोनू मतलब SCN, ठीक है, एंड क्लास मतलब क्लोरीन, से मतलब सल्फर, फरार मतलब फ्लोरीन, ओ का मतलब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑक्सीलेट मतलब C2O4, ऑक्सीजन, वाटर मीन्स पानी, ऑक्सीजन पानी नहीं, EDTA एंड अमोनिया इन कैनेडा एंड कोलंबो, ठीक है। बीच में नाइट्रो ग्रुप को भी आप छोटा सा याद करके कंसीडर करेंगे कि कनाडा और कोलंबो के पहले आता है, ठीक है। तो आई होप कि इस ट्रिक को लगा के आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड विच वन इज अ वीक लिगेंड। अगर आपको ये आइडिया लग गया तो यू कैन सॉल्व इजिली क्वेश्चंस ऑन द VVT एज वेल एज CFT, ठीक है। तो आई गेस इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए, तो बस आप इसको फॉलो करें, एक दो बार बोल के देखें, एक दो बार लिख के देखें, ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको CFT के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसमें भी इस ट्रिक को यूज करेंगे, क्योंकि हमने VVT के क्वेश्चन को क्या कर रखा है। अब हम CFT के क्वेश्चन को लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल आप इसको करो एंड ऑल द बेस्ट।